एवरीवन, मैं हूँ भावना। भावनाज रेसिपीज में आपका स्वागत है। हाय मेरे फूडीज चाटुकारों, कैसे हैं आप? आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके साथ होली के लिए रंग बिरंगे 6 रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स। ये सारे लो कैलोरीज हैं, इनमें से कुछ तो टेस्टी हैं, कुछ न्यूट्रिशियस हैं, तो कुछ पॉकेट फ्रेंडली हैं। ये जूस बनाने के पहले थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने 1 चम्मच सबचा लिया है, ये नॉर्मल चम्मच है, घर का चम्मच है। इसमें करीब 100 ml पानी डालेंगे। सबचा बहुत ठंडा होता है और जूस फालूदा इसमें डालने से बहुत ठंडाई मिलती है। इसको 10 से 15 मिनट हम भिगाएंगे। शुगर पीस के रख लेते हैं, ये हर तरह के जूसेस में चाहिए रहता है। सबसे पहले बनाएंगे हम खीरा, ककड़ी, कुकुम्बर जिसको बोलते हैं, उसका जूस। आप देखिए, मैंने आधा खीरा लिया हुआ है और ये आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया हुआ। इन दोनों को हम मिक्सर के जार में डाल देंगे। आधा कप इसमें पानी डालेंगे। खीरे का जूस बड़ा अच्छा होता है, रिफ्रेश करता है, अपना पॉकेट फ्रेंडली है, स्टमक फ्रेंडली है। साथ में इसमें डालते हैं 2 चम्मच शक्कर का पाउडर, चीनी पाउडर, जो कि मैंने घर में पीसा हुआ है। अगर आप डाइटिंग पे हैं तो शुगर को स्किप कर सकते हैं और आप इसकी जगह ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैंने थोड़े से कुकुम्बर के पीसेस के स्लाइसेस कर लिए हैं, इसी तरह हम नींबू के पीसेस के भी स्लाइसेस करेंगे। नींबू के पीसेस को ऐसा बारीक कट करें, इसके सीड सारे निकाल लें। सीड निकालने के लिए हम इसको ऐसा कट करेंगे, सारे सीड निकल जाएंगे, और फिर इसको बारीक कट कर लीजिए। पूरा अच्छे से पिस गया है, इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छा पीसा है मैंने। आपका मिक्सर 5 से 6 मिनट एक साथ ना चले तो रुका के 30 सेकंड रुक जाइए, फिर चलाइए। इसको पूरा हम अच्छे से छान लेंगे और पल्प को कहेंगे बाय बाय। देखिए, अब सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए एक ग्लास लिया हुआ है, इसमें थोड़े से आइस क्यूब्स डालेंगे, 2-3 पुदीने के पत्ते और 3 से 4 लेमन के ये वेजेस मैंने किए हैं, 1 पिंच काली मिर्च, ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 2 चम्मच नींबू का रस, और ये ग्लास में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको अच्छे से स्टर कर देते हैं, आपके पास जो भी लंबा स्पून हो उसे आप कर सकते हैं। देखिए, रिफ्रेश, पेट को खुश करने वाला, दिल को खुश करने वाला और पॉकेट को भी खुश करने वाला। अगर आपकी डाइटिंग है तो आप अगर इसमें शुगर भी नहीं डालें तो ये डाइटिंग के साथ भी हो जाएगा। ये पेट को बहुत ठंडक देता है, इस तरह से आप उसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। मैं आप ये कुकुम्बर के पीसेस भी डाल दीजिए। देखिए, रेडी है कुकुम्बर कूलर, पीजिए, पिलाइए, मजे करिए। अब हम बनाएंगे सेकंड लो कॉस्ट बट रिफ्रेशिंग और टेस्टी ड्रिंक। इसके लिए सबसे पहले मुझे 1 कप या कोई भी बर्तन लेना है, इसमें पुदीना डालना है, 5 से 6 लीव्स पुदीना डालना है और 3 से 4 ये लेमन वेजेस डालने हैं। अब डालना है मुझे वाटरमेलन है, तो ये डालेंगे हम 1/2 कप। इसमें डालेंगे हम 2 स्पून शुगर, ये ऑप्शनल है, ऑलरेडी वाटरमेलन मीठा होता है और अगर आपको डाइट करनी है, रिफ्रेश बनाना है तो आप नहीं डालें तो भी चलेगा। अब इसका मडल करना है, मतलब इसको अच्छे से थोड़ा सा दबा के पीसना है। तो इसके लिए आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये कैरेट से भी कर सकते हैं, कुकुम्बर से भी कर सकते हैं, इस तरीके का बेलन हो आप उससे भी कर सकते हैं, या फिर छोटा सा मडलर हो उससे भी कर सकते हैं। इसको मडल करना है अच्छे से, जिससे कि सारे जूस में इसका अच्छे से थोड़ा सा टेस्ट आ जाए, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा लेमन और वाटरमेलन का। वाटरमेलन मुझे तो बनाने में हल्का सा टेस्ट पुदीने और लेमन का आना चाहिए, तो बस जैसे ही हम इसको मडल करेंगे थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा, तो बहुत टेस्टी लगेगा। आप देखिए, ये हो गया है वाटरमेलन। मोहितो को सर्व करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें स्लाइसेस, 1/2 चम्मच ब्लैक सॉल्ट, 3-4 लेमन वेजेस, थोड़ा सा वाटरमेलन पीसेस, 1/2 चम्मच लेमन जूस, 2-3 लीव्स पुदीने की, सारा ये जो अपन ने मडल किया था वो मिक्सचर। और अब डालेंगे इसमें सोडा। आप इसमें सोडा भी, आप सोडा पीते हैं तो सोडा डाल सकते हैं, अदरवाइज आप पानी के साथ भी पीजिए तो जूस हो जाएगा, सोडा डालेंगे तो मोजी तो हो जाएगा। देखिए, रेडी है सेकेंड ड्रिंक, जो कि पॉकेट को भी खुश कर रहा है और अपने दिल को ठंडक भी पहुंचा रहा है। तो बनाइए इस तरीके से, गार्निश करते हैं इसको, एक पीस लगाते हैं उसमें, पुदीने का पत्ती रखते हैं। रेडी है वाटरमेलन मोहितो। आप बनाते हैं वर्जिन मोहितो। मैंने सेम कप लिया हुआ है और इसमें लेमन चंक्स डाले हुए हैं 6 से 7, और इसमें डालूंगी मैं 10-15 लीव्स मिंट लीव्स, 2 स्पून शुगर पाउडर। आप इसकी जगह ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं और इसको स्किप भी कर सकते हैं।
मडल करना है अच्छे से, जिससे कि अच्छे से टेस्ट आ जाए। इसमें 2 स्पून लेमन जूस डालेंगे, मडल करेंगे अच्छे से। मडल करते टाइम हमको ध्यान रखना है कि इसके लेमन पीसेस पे ज़्यादा मडलर को ना करें, क्योंकि उसका कड़वापन नहीं आना चाहिए जो उसकी स्किन होती है नींबू की। तो इसलिए उसको पुदीने को अच्छे से क्रश करना है, बट नींबू को थोड़ा थोड़ा करना है। ये देखिए, ये अच्छे से क्रश हो गया है। देखिए, मैंने सर्विंग के लिए एक ग्लास लिया हुआ है, उसमें क्रश्ड आइस भर दी है 1/2 ग्लास। अब उसमें डालूंगी मैं मिंट लीव्स और वापस लेमन क्रंच, हमने जो ये मडल किया था ये लिक्विड डाल दूंगी सारा। 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट डालिए। ब्लैक सॉल्ट एकदम ऑप्शनल है, आप किसके लिए बना रहे हैं उसके चॉइस के अकॉर्डिंगली बनाइए। उसको शुगर चाहिए तो शुगर डालिए, ब्लैक सॉल्ट चाहिए तो ब्लैक सॉल्ट डालिए। अब चाहेगा इसमें क्लब सोडा, इसको अच्छे से स्टर करिए। देखिए, दिख रहा है ना सुंदर? रेस्टोरेंट में ये 200-250 रुपये का मिलता है और घर में सिर्फ 20 रुपीज़ का मिल रहा है। आप देखिए, मैंने इतने पैसे बचाए ना आपके, तो अब आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इसको गार्निश भी कर देते हैं तो आपको रेस्टोरेंट का फील भी आता है। ये देखिए, वर्जिन मोहितो बनकर रेडी है। अब बनाते हैं एक न्यूट्रिशियस ड्रिंक, टेंडर कोकोनट। इसको बनाने के लिए हमने एक मिक्सर का जार लिया है, और ऑफकोर्स नारियल लगेगा, और नारियल की जो अंदर की मलाई होती है ना, उसकी आधी मलाई हमको ले लेनी है, और जो पानी पूरा मिला है वो पूरा पानी ले लेना है। पर ध्यान रखना है कि जब स्टार्टिंग में पीसेंगे तब पूरा पानी नहीं डालना है, अदरवाइज मिक्सर से निकलेगा, अदरवाइज जार से निकलेगा। इसमें डालना है 1 चम्मच शुगर पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालिए, क्योंकि ये पानी ऑलरेडी मीठा होता है। और 1 से 1.5 चम्मच नींबू का रस, बस इसको ब्लेंड कर लेंगे। देखिए, ये पीस के रेडी हो गया है, अब इसको ट्रांसफर कर देंगे। देखिए, इस तरीके से रेडी है कोकोनट टेंडर लेमिनेट। इसकी ये क्रीम की एक साइड का जो था, मैंने उससे उसको गार्निश करने की ट्राई किया है। गार्निश करने के लिए इसमें आइस के क्यूब्स भी डालिए, ठंडा भी हो जाएगा, टेस्टी भी हो जाएगा और गार्निश भी हो जाएगा। और इसके बेनिफिट्स तो आपको पता ही होंगे, एंटीऑक्सीडेंट है, सोर्स ऑफ हाइड्रेशन है, किडनी स्टोन से भी प्रिवेंट करता है, और नींबू और शुगर का टेस्ट है। तो आप इसको बनाइए, ट्राई करिए, पीजिए और पिलाइए। नेक्स्ट बनाने जा रहे हैं केरल का फेमस कुलुक की शरबत। इसके लिए मैंने 5-6 आइस क्यूब्स लिए हैं, 1/4 कप में इसमें पानी डालूंगी, चिल्ड पानी चाहिए। 1 डालूंगी इसमें हरी मिर्च, 1/2 चम्मच काला नमक, 3 चम्मच डालूंगी शुगर पाउडर घर में पीसा हुआ, और 2 चम्मच लेमन जूस। बस इसको पीसना नहीं है, जार को बंद करके बस जोर से शेक करना। कुलुक की शरबत अच्छे से शेक हो गया है, अब एक ग्लास लेंगे, इसमें ये जो सब्जा भिगाया था हमने सबसे पहले, वो 2 चम्मच डालेंगे। हमारा ये जो मिक्सचर बनाया है इसको ट्रांसफर करेंगे, और अब इसमें मिलाएंगे ये क्लब सोडा, सिंपल सोडा जो आता है, बस उसको मिला देंगे। ये देखिए, केरल का कुलुक की शरबत रेडी है। एक यूनिक टेस्ट होता है इसका, आप इसको जरूर ट्राई करें। इसको मिर्ची लगाकर गार्निश करें और इसके ऊपर सब्जा डाल दें, अच्छे से स्टर कर लें। सब्जा जो होता है बहुत ठंडा होता है, फालूदा में वगैरह जो डलता है ये बहुत ठंडा होता है, गर्मी में आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। चलिए, अब एक स्पेशल फुल जार सोडा बनाते हैं, जो कि एक स्पेशल यूनिक ड्रिंक है। इसके लिए हमको 1/4 कप पुदीना लेना है, और सेम 1/4 कप ही हरी धनिया लेना है, और एक चटनी बनानी है, और ये हरी मिर्च लेनी है 1। आप चाहें तो इसको और तीखा बनाना है तो आप 2 भी ले सकते हैं। 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच काला नमक, 4 से 5 चम्मच शुगर पाउडर, 3 चम्मच लेमन जूस। ये मसाले से हम 2 ग्लास फुल जार सोडा बनाएंगे। इसकी अच्छी सी चटनी पीस लेनी है, और अगर थोड़ा थिक लग रहा है, पीस नहीं रही है, तो इसमें बिल्कुल 1 चम्मच हम डालेंगे पानी और ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, चटनी पीस के रेडी हो गई है, अब हम इसको ये शॉर्ट्स ग्लास आते हैं ना जो, उसमें डाल लेंगे। देखिए, फुल जार सोडा की प्रिपरेशन कर ली है मैंने, इसके नीचे एक डिश रखी हुई है, क्योंकि ये बाहर गिरता है, फुल झड़ियों जैसा झरता है ना, शायद इसलिए इसको फुल जार बोलते हैं, और फुल जार भर के होता है, तो मेरे हिसाब से तो इसके ही लिए इसको फुल जार बोलते हैं। अब इसमें एक ध्यान क्या रखना है, इसमें जो सोडा लगेगा पहले से खुला हुआ बॉटल नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेश बॉटल इमीडिएट खोलेंगे तो ही ये वॉल्केनो जैसा आएगा। इसमें डालेंगे और इसको गिरने से पहले ही फ्रेंड्स पी लेना है, लेकिन मैं अभी नहीं पीऊंगी, मैं अभी बना के बताऊंगी बस। देखिए कैसे वॉल्केनो जैसा बाहर आता है, पीने का ही मन हो जाता है।
तो देखिए रेडी है पुदीना और नींबू के साथ सोडा लेमोनेड मोहितो, जो हमें और हमारे गेस्ट की गर्मी को भगाकर ताजगी से भर दे। तो ट्राई करिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा। अगर आप भावनाज रेसिपीज को एंजॉय कर रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। सबसे पहले मेरा वीडियो आपको दिखे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग भावनाज रेसिपीज।